फ्रेंड्स, HCL टेक्नोलॉजी पर बाजार बंद हो जाने के बाद एक एम्प्लॉय हायर करने की न्यूज़ आ रही है, यानी कि अपना बिजनेस एक्सपांस करने से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। और ये संख्या देखें तो 2000 एम्प्लॉय को हायर करने की बात करी जा रही है। तो इसका क्या शेयर पर एक्चुअल में इंट्राडे में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, उस पर हम बात करते हैं। तो ओवरऑल HCL टेक्नोलॉजी ने अपना जो ग्लोबल बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए कैनेडा के अंदर डिजिटल एक्सेलरेशन सेंटर खोला है। और फ्रेंड्स, ये कैनेडा के अंदर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कंपनी 2000 एम्प्लॉय अगले आने वाले 3 साल में हायर करने का प्लान कर रही है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, 2000 एम्प्लॉय बहुत बड़ी मुझे तो संख्या दिखाई दे रही है। मगर HCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिसम्बर क्वार्टर तक, यानी कि जो अभी अभी क्वार्टर खत्म हुआ 31 दिसंबर 2020 तक, तो उसकी टोटल एम्प्लॉय की संख्या 1,59,000 से भी ज़्यादा थी। तो इसलिए से ये 2000 एम्प्लॉय का आंकड़ा देखें तो फ्रेंड्स, ये तो छोटा आंकड़ा ही इस कंपनी के सामने दिखाई दे रहा है HCL टेक्नोलॉजी। आमतौर पर तो ये बहुत ही बड़ी साइज़ का आंकड़ा है, मगर फ्रेंड्स HCL के लिए तो ये ठीक ठाक ही आंकड़ा है। और इसके अलावा ये अगले आने वाले 3 साल में हायर करने की बात करें तो ओवरऑल फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा कोई इफेक्ट इंट्राडे में आ सकता है, मगर न्यूज़ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा HCL टेक्नोलॉजी को अगले आने वाले सालों में मिलता हुआ हमें दिखाई देगा।